नमस्कार मित्रों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल दोस्त में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे RCMP टेबलेट के बारे में। तो इस टेबलेट का उपयोग किन किन बीमारी में किया जाता है, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बिना स्क्रिप्ट के वीडियो के एंड तक बने रहे, तभी आपको इस टेबलेट की सही इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिल पाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों 10 टेबलेट की स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट में मिल जाएगी। प्राइस की अगर बात की जाए तो ₹110 इस टेबलेट के प्राइस है। और इस दवा का मैन्युफैक्चर करता है एक्टिव हेल्थ केयर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इसमें सॉल्ट की अगर बात की जाए तो लियोसेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड 5mg एंड मोंटेलुका सोडियम 10mg मिलाया गया है। दोस्तों, ये एक एंटी हिस्टामाइन दवा है। तो आप जान लेते हैं किन किन बीमारियों में इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एलर्जी की समस्या है, नाक बह रहा है, बंद नाक, अस्थमा की समस्या, आंखों में से बार बार पानी आ रहा है, सर्दी जुकाम हो गया है, धूल मिट्टी के कारण होने वाली एलर्जी, शरीर पे खुजली हो रही है, शरीर पे लाल चक्कर निकल रहे हैं, सर्दी जुकाम, बार बार छींकें आ रही है, सांस लेने में समस्या हो रही है, खुजली या सूजन जैसा हो रहा है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। तो अब जान लेते हैं डोज के बारे में। तो इस टेबलेट का डोज रहता है, एक एडल्ट व्यक्ति को एक टेबलेट रात को खाना खाने के बाद लेना है। दोस्तों, इस टेबलेट को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, सिर दर्द, दस्त लगना, मतली उल्टी, थकान, नींद आना, ड्राई माउथ, अपच। इस टेबलेट को लेने के बाद ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखे तो एक बार डॉक्टर की सलाह आप अवश्य लें। आप पहले से किसी प्रकार की सर्दी या एंटी हिस्टामाइन की दवाई खा रहे तो इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। प्रेग्नेंसी महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, आप अपनी मर्जी से इस दवा का प्रयोग ना करें। अल्कोहल के साथ इस टेबलेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। और इस टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर की पर्ची होना बहुत जरूरी है, तो आप अपनी मर्जी से इस दवा का प्रयोग ना करें। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।